मैं तुम्हें मेरे दल के साथ क्रिकेट खेलने की चुनौती देता हूँ कि अगर हम जीते तो पृथ्वी का गोला हमारा, और अगर हम ये प्रतियोगिता जीते तो ये पृथ्वी लोक का गोला हमारा। टूबा टूबे सुनिए जी बालपरी, बालपरी हमारी बात तो सुनिए जरा। हाँ बाबी आ गया। टूबा टूबा उस तरफ ना बहुत काम। अरे बालपरी सुनिए तो। हो गई हमारी रंग बिरंगी विजदार रोशनी तैयार। विजदार परी हम कह रहे थे कि नटखट परी आपको जो भी कहना ना वो बाद में कहिएगा, क्योंकि अभी मेरी रंग बिरंगी विजदार रोशनी लगाने का कार्य बाकी है, तो हम आपको बाद में मिलते हैं। अरे विजदार परी सुनिए तो। परियो 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 सुनिए, बालवीर ने ऊर्जा लोक की सारी परीक्षाओं को पार कर लिया है और ऊर्जा लोक की परियों ने उन्हें दो नई शक्तियाँ भी दी है। बालवीर किसी भी समय यहाँ पहुँचते ही होंगे। अरे वाह, फिर तो हमें परीलोक में बालवीर के भव्य स्वागत की तैयारियाँ और भी तेजी से करनी चाहिए, है ना? हाँ परपरी चलिए। आर पार परी से पूछती हूँ। डुबा डुबा आगे बढ़ो, डुबा डुबा आगे बढ़ो, डुबा डुबा आगे बढ़ो। अब ठीक तो है ना? अभी नहीं, हाल पूछना बाद में है, अभी बहुत सारे काम बाकी। अब आप हमारी बात तो सुनिए जरा। नहीं नहीं बाद में। अरे है अभी बहुत सारे बात तो सुनिए, सुनिए तो अब बाद में। अरे नटखट परी सब ठीक तो है ना यहाँ पर? हाँ भटकाती परी सब ठीक है, लेकिन ये तो बताइए कि ये सजावट मैं कहाँ करूँ? आप परीलोक को जैसे भी सजाएंगी बालवीर को अच्छा ही लगेगा, है ना? हाँ परी तो जल्दी कीजिए क्योंकि हमारे बालवीर के आने का समय हो गया है। चलिए चलिए जल्दी कीजिए। सर बहुत ही बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है ये सर। हाँ देखिए यहाँ पर एक्सकवेशन का काम चल रहा है, आगे भी ऊपर भी एक्सकवेशन चल रहा है। बच्चों एक बहुत ही जरूरी बात, यहाँ किसी भी चीज को हाथ लगाना मना है और बिना हमारे साथ के किसी भी जगह में जाना मना है। समझ गए? और बच्चों ऐसे भी कहा जाता है कि यहाँ पर 1000 years ago यानी कि 1000 साल पहले कोई खतरनाक पावरफुल शक्ति कैद हो गई थी। तो सर क्या हम आज भी कोई दूसरी खतरनाक और पावरफुल शक्ति को कैद कर सकते हैं? किसको? अबे बोल, बहुत मन है तुझे उस शक्ति से मिलने का, तुझे शक्ति अंदर कह देना उसको बाहर निकालू। सलोनी कोई खतरनाक शक्ति बाहर तो नहीं आ गई? नील कोई बाहर नहीं आएगा तो डर मत। चलिए सर चलते। बच्चे संभल के। सलोनी एक मिनट रुक। Thank you.
बच्चों, हमारी रिसर्च बताती है कि यहाँ से जो आवाजें आती रहती है वो इस बात का संकेत है कि यहाँ पे जो भी चीज सदियों से दबी हुई है वो अब यहाँ से बाहर आने के काफी पास पहुंच गई है। देखा सुनी, मैंने कहा था ना? बच्चों, ये जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है यहाँ जाना मना है। आइए सर, हम उस तरफ चलते हैं। हाँ, जानी है। आइए। यहाँ पे तो सच में जमीन के अंदर से ठोकने की आवाजें आ रही हैं। चल मैं जल्दी यहाँ से चलते हैं। चल मैं। चुप कर डरपोक विद्दी। ये खतरनाक शक्ति वक्ति कुछ नहीं होती। अगर वो शक्ति मेरे सामने आ गई ना, यू मसल दूंगा उसको। तो मैं सब मुक्त। किसने पकड़ा मुझे? मैं आपको मुक्ता नहीं मारूंगा, मैं तो खुद को मुक्ता मारूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं मेरे कान भी पकड़ रहा हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। सॉरी सॉरी, लो मैं मुक्का मारो। मैं तेरी तो माफ कर दो, माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। सॉरी सॉरी, छोड़ दो मुझे। ऐसे नहीं, अपना सर जमीन पर टेक कर माफी मांगो। अरे खतरनाक शक्ति जी, मेरा पेट बीच में आ रहा है तो मैं जमीन पर टेक नहीं सकता। मैं ऐसी माफी मांगता हूँ ना। ठीक है ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। हाँ, कर दिया। तुम आजाद हो। हाँ, थैंक यू थैंक यू। ए ए ए, मस्ती नहीं मस्ती नहीं। अब तुम लोग ये जगह को अच्छी तरह से देख लो। हम लोग 10 मिनट में यहाँ से निकलने वाले, ताकि और भी स्कूल वाले आ सके यहाँ पे देखने के लिए। ओके सर। ओके, चलो 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 वहां पे देखते। ए पिद्दियो, हंसना बंद करो। वो तो मैं बस तुम सबको दिखा रहा था कि डरा कैसे जाता है। हाँ। अच्छा, एक्टिंग कर रहा था? तो दोबारा करना एक्टिंग। हमें तेरी डर वाली एक्टिंग बहुत अच्छी लग रही थी। मैं मुक्का मारते हुए बहुत अच्छा लगता हूँ, दिखाओ। बस हमें डरा। अगर हिम्मत है तो वहाँ जाके दिखा, जा जाना मना है। हाँ, मैं जाऊंगा। मैं क्यों नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ी डरता हूँ। चल रोहित। ओके बॉस, आप नहीं डरते पर मैं बहुत डरता हूँ। आप अकेले जाओ, मैं नहीं आ रहा। अरे रोहित, तू मेरे साथ चलेगा तो अच्छा हो जाएगा ना मेरे लिए, मतलब तेरा डर दूर हो जाएगा है ना। तू डरपोक नहीं रहेगा। नहीं बॉस। अरे बॉस, मैं नहीं आ रहा। अब बॉस नहीं बॉस। अद्भुत, अति सुंदर। परियों, आपने बालवीर के आने की खुशी में पूरे परिलोक को बहुत ही खूबसूरती से सजाया है।
सावधान परियो, लगता है कोई बुरी शक्ति परीलोक की तरफ बढ़ रही है। रानी परी, कोई था यहाँ पर जो अभी अभी हमारे सामने से गुजरा। हाँ रानी परी, वो इतनी तेजी से हमारे सामने से गए कि हम एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं देख पाए। ये तो बालवीर के पोशाक के टुकड़े हैं। लगता है इस बुरी शक्ति ने यहाँ आने से पहले बालवीर पर आक्रमण किया है। सावधान परियो, ये शक्ति चाहे जो कोई भी हो लेकिन इस बार हमारी नजरों से बचकर नहीं जा सकती। मैं वहां नहीं, मैं यहाँ हूँ।
बालवीर आप? बालवीर, बालवीर ये कैसा मजाक है? हमारे वार से आपको चोट पहुंच जाती तो क्या होता? माँ, आपके प्यारे बालवीर को आपसे सिर्फ प्यार मिल सकता है, जख्म नहीं। परियों, आप सबने अभी जो देखा वो मेरी दो नई शक्तियां हैं, जो ऊर्जा लोक की परियों ने मुझे दी है। मेरी पहली शक्ति ये है कि मैं समय से भी तेज भाग सकता हूं। आप तो बहुत ही तेज भाग सकते हैं। आप डुबा डुबा वो सजावट का गोला तेजी से मेरी तरफ फेंको। हेडिक हूँ लाता अभी मैं गेंद। देखा, मैं अपनी दूसरी नई शक्ति से किसी भी वस्तु की गति को धीमा कर सकता हूँ। बालवीर, हम आपके इस नए रूप और नई शक्तियों को देखकर बहुत खुश हैं। खुश रहो दोस्तों, खुश रहो दोस्तों। ये है दिल्ली के गीतांश कटियाल, जो बने हैं हमारे इस हफ्ते के मैं भी बालवीर विजेता, जिनके साथ हैं उनके पिताजी प्रभात जी। तो दोस्तों आइए जानते हैं गीतांश से कि उन्होंने क्या अच्छा काम किया है। एक दिन मेरी दीदी और मैं पढ़ाई कर रहे थे। मम्मी सामान लाने बाजार गई थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी तो मैंने जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे पे एक अंकल कोरियर लेके आए थे। मैंने साइन किए और अपने रूम की तरफ चला गया। तभी देखो वो अंकल भी हमारे पीछे आ गए और हमें डराने लगे और हमारी अलमारी खोल कर उसमें से कुछ ढूंढने लगे। मैं और मेरी दीदी घबरा गए। मैं समझ गया कि वो चोर है। मैं अपनी दीदी को बाहर लेके आ गई और मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी। तभी मम्मा बाजार से वापस आ गई और फिर हमने शोर मचाया। मम्मा ने पुलिस को फोन किया और ऐसे हमने चोर को पकड़ लिया। और ये मैंने बालवीर से सीखा। थैंक यू बालवीर। मुझे अपने बेटे गीतांश पर गर्व है, जिसने इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बहादुरी का काम किया है और उसको ये काम करने की प्रेरणा बालवीर से मिली है। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों गीतांश के इसी अच्छे काम के लिए इन्हें भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंक। तो दोस्तों अगर गीतांश की इधर आपने भी किया है कोई अच्छा काम या फिर की है किसी की मदद, तो हमें लिखकर भेजिए इस पते पर या फिर लॉग ऑन कीजिए sabtv.com पर, क्योंकि अब हर बच्चा बनेगा बालवीर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।